दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो उस मदद के लिए या उस काम के लिए कभी भी किसी को भी झूठी आशा मत देना, क्योंकि दोस्तों आप जिस व्यक्ति को झूठी आशा दे के आते हो और किसी कारण से या किसी समय से आप उसे टाइम नहीं निकाल पाते हो और भूल जाते हो, तो उस व्यक्ति के ऊपर बहुत कुछ गलत हो सकता है, उसके ऊपर बहुत कुछ गलत हो सकता है, वो आप पे निर्भर हो जाता है। इसीलिए दोस्तों आज ये कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि झूठी उम्मीद सब खराब कर देती है, सब बर्बाद कर देती है। इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा। एक बार एक राजा अपने राज्य की शहर पर निकले थे। जब वापस लौट रहे थे तब उन्होंने महल के दरवाजे पर एक फ़कीर को देखा। वो हैरान हो गए कि इतने कड़ाके की सर्दी में भी उसने पतले कपड़े पहने हुए थे। तभी राजा ने उस फकीर से पूछा कि क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? तो राजा साहब से वो फकीर बोलता है, मुझे ठंड तो नहीं लग रही, परंतु मेरे पास गर्म कपड़े नहीं हैं, शायद खुदा मुझे ताकत देते हैं। कितने भी कड़ाके की ठंड क्यों ना पड़े, मैं उसे सह सकूं। ये सुनकर राजा कहते हैं, मैं अंदर जाकर आपके लिए गर्म कपड़े भिजवाता हूँ। ये सुनते ही फकीर खुश हो जाता है और राजा का शुक्रिया अदा करता है। तभी राजा साहब ये सब कहकर महल के अंदर चले जाते हैं, दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते हैं और उस भिखारी को गर्म कपड़े भिजवाना भूल जाते हैं। राजा साहब महल के बाहर एक भिखारी मरा पड़ा हुआ है, सुबह सैनिक आके नहीं ये खबर राजा को सुनाता है। ये सुनकर राजा साहब हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो भिखारी मरने के बाद एक कहानी लिख के जाता है कि कितने सालों से बिना गर्म कपड़ों के ठंड में जी रहा था, लेकिन तुम्हारे एक रात के वादे ने, तुम्हारे गर्म कपड़े भिजवाने की उम्मीद ने मुझे मार डाला। टूट जाते हैं डिप्रेशन में वो लोग जिनसे आप झूठी उम्मीद लगा बैठते हैं या किसी को आप आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए दोस्तों खुद आत्मनिर्भर बनो, कभी भी किसी पर निर्भर होने की कोशिश मत करो। ये कहानी हमें यही सिखाती है। मोटिवेशन वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए।